चले गए शांति धाम। माताओं की साइन नहीं हुई, रजिस्टर किधर है? रजिस्टर ये नहीं लेते हैं? సహస్రబాహు కార్తవీర్యాజు సహస్రబాహు కార్తవీర్యాజన్ విజయ్ హోకర్ ఆతే హై భృగు మహర్షి కే ఆశ్రమే ఆతే జాతే హై వహాం అరే టీవీ దేఖ్ దేఖ్ కే క్యా సత్య రాస్తా టీవీ లగ హ్మ్ భృగు మహర్షి కే ఆశ్రమే జాతే హై వహాం ఋషి సే కామధేను గాయ మాంగతే హై ఇస్కా బేహద్ మే కియా विश्वामित्र और वशिष्ठ की कथा है। विश्वामित्र क्षत्रिय थे और वशिष्ठ ब्राह्मण थे। उनके पास पवित्रता की पावर थी। किनके पास? वशिष्ठ के पास। पक्के ब्राह्मण थे ना? और वो पक्के ब्राह्मण थे नहीं, कच्चे ब्राह्मण भी नहीं थे। क्या थे? क्षत्रिय थे, माने फेलियर थे। किस बात में फेलियर है? प्योरिटी की पावर में फेलियर थे। हालांकि उनके पास अस्त्र शस्त्र बहुत थे। क्या? ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, जैसे राम वाली आत्मा के पास बहुत होते हैं। भले फेलियर हो जाती है तो भी और ब्राह्मणों के मुकाबले अस्त्र शस्त्र बहुत थे। अब समझ लो विश्वामित्र कौन है और वशिष्ठ कौन है। ब्राह्मणों की दुनिया में कौन वशिष्ठ हुआ और कौन विश्वामित्र हुआ? ब्रह्मा बाबा क्या हुए? वशिष्ठ हुए। पवित्रता का विशिष्ट पुरुषार्थ उन्होंने कर लिया और वो विश्व के मित्र नहीं थे। ब्रह्मा बाबा सारे विश्व के मित्र थे, विश्वामित्र थे या सिर्फ ब्राह्मणों के मित्र थे? ब्राह्मण सो देवताओं के मित्र थे। और विश्वामित्र सारे विश्व के मित्र तो थे, लेकिन उनके पास पवित्रता की पावर नहीं थी, ब्राह्मणत्व की पावर नहीं थी। और सारे ही अस्त्र शस्त्र उनके पास थे, जिन अस्त्र शस्त्रों के जोर से उन्होंने सारे विश्व को जीत लिया। उनकी इच्छा हुई कि कामधेनु गऊ इस ब्राह्मण के पास है। वो कामधेनु गऊ यज्ञ के आदि में किसके पास थी? ब्रह्मा बाबा के पास थी। हाँ, झगड़ा तो चाहे महाभारत युद्ध हो, चाहे राम रावण युद्ध हो, चाहे देवासु संग्राम हो, झगड़ा के बीच में तो कोई न कोई स्त्री ही आती है।
तो गऊ के रूप में कोई कामधेनु गऊ थी जो वशिष्ठ जी के कंट्रोल में थी, अंडर में थी। विश्वामित्र का दिल आ गया, कम से कम ये गऊ तो इनसे ले ले। गऊ मांगने पहुंचे तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं काम नहीं देंगे तुमको ये गऊ। काम देनु गऊ सब मनोकामनाएं की पूर्ति करने वाली है क्या? अरे लक्ष्मी गऊ हो तो कोई बात नहीं, सर्व ज्ञान रहता नहीं देगी। और कामधेनु गऊ तो सब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली है, वो गैया हम नहीं दे सकते। कौन है वो कामधेनु गऊ? जगदम्बा। तो मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं दोगे तो मालूम क्या होगा है? अगर तुमने हमको गैया नंदी तो फिर हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। क्या क्या कर देंगे? ज्ञान बाणों का हमला कर देंगे, अस्त्र शस्त्रों से हम तुम्हें जीत करके हम गैया ले लेंगे। आज में भी ये लड़ाई हुई थी क्या? यज्ञ के आज में भी ये लड़ाई हुई थी और अंत में भी यही लड़ाई है। युद्ध हुआ, विश्वामित्र ने सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किसके ऊपर कर दिया? वशिष्ठ जी के ऊपर कर दिया। वशिष्ठ जी क्या करते गए हैं? उनके पास जो पवित्रता का दंड था, जो भी अस्त्र शस्त्र छोड़ते थे वो दंड आगे कर देते थे, सारे अस्त्र शस्त्र उनके भस्म हो जाते थे। अभी भी ऐसे ही हो रहा है कि नहीं है? वो कामधेनु गैया के ऊपर किसका अधिकार है? उस कामधेनु गऊ के ऊपर कौन सवार है? अरे अरे आदि में वो कामधेनु गऊ जगदम्बा का पाठ बजाने वाली और अंत में महाकाली का पाठ बजाने वाली। महाकाली जो पाठ बजाती है तो उसके सर पर सवार कौन होता है? चंद्रमा। चंद्रमा कौन है? ज्ञान चंद्रमा, वही वशिष्ठ ब्रह्मा बाबा। वो बुद्धि की लगाम पकड़े बैठे, ले तो जाओ तुम। तो युद्ध हुआ और विश्वामित्र को हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो विश्वामित्र को गुस्सा आ गया है अपने अस्त्रों के ऊपर, है बेकार है ये सब। दिक बलम क्षत्रिय बलम, बेकार है क्षत्रिय बल को, ढेर सारे अस्त्र शस्त्र इकट्ठे कर लिए, बेकार है इन शस्त्र शस्त्रों को। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, क्या जो ब्रह्म तेज है वही असली बल है। फिर उन्होंने तपस्या शुरू कर दी, तपस्या करके उन्होंने ब्रह्म तेज हासिल कर लिया। क्या तपस्या करी और क्षत्रिय से क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए पक्के। फिर तो वशिष्ठ जी अपने आप गैया दे दीजिए भैया ले। बीच में एक बार फेल हुआ है। हाँ। वो मैंने कहा आया। तो ये कथाएं बनाई हुई है, मेनका कोई दूसरी नहीं है। एडवांस पार्टी जब शुरू होती है तो बीच हुआ या आदि हुआ या अंत हुआ? बीच हुआ। एडवांस पार्टी शुरू होती है तो मैन माने मुख्य और का माने क्या है, प्रश्न चिन्ह पैदा होता है उसके लिए। ये मुख्य है क्या,
माना एडवांस पार्टी की शुरुआत में पहले पहले सरेंडर तो होती है, बाप की बनती है, तो बहुतों को शक पैदा हो जाता है। क्या बाप की बनती है, लेकिन बाप के साथ आदि से लेकर के अंत तक तो क्या थोड़ा समय भी निभा नहीं पाती है। क्या बाप का बनने से नंबर बनेगा, मुखिया का नंबर बन जाएगा, मुख्यमंत्री का बन जाएगा, या निभाने से बनेगा? है निभाने से बनेगा। तो आदि में सरेंडर तो होती है, लेकिन साथ नहीं निभाती, साथ दूसरों का भी निभाती है और बाप का भी निभाती है, तो माया भी हो गई या श्रेष्ठ होगी, माया भी हो गई। तो लोगों को ये शक हो जाता है, ब्राह्मणों को ये शक हो जाता है कि पहले पहले ये सरेंडर हो गई, भगवान की बन गई, तो ये मुख्य है क्या? मैन, मैन माना मुख्य, मैन का माने यही मुखिया है क्या? खास करके कलकत्ता वालों को ये प्रश्न पैदा होता है, वो महाकाली को बहुत मानते हैं, संशय में पड़ जाते हैं। तो मेनका पहले पहले विश्वामित्र की तपस्या भंग करती है बीच में, तपस्या भंग हो जाती, तो तपस्या में रोड़ा अटक गया ना, प्राप्ति होगी या नहीं होगी? तपस्या में अगर मेनका ने खलल डाल दिया तो तपस्या भंग हो गई, प्राप्ति हो नहीं सकती। एक बार तो मेनका उनकी तपस्या भंग कर देती है, बाद में भले वो जीत जाए, और बाबा तुमको सदगत देने आया हो, ऐसे बाबा बोल बोल रहा है ना? हाँ। इन ब्रह्मा को नहीं सदगत नहीं है। हाँ। सत्य ब्रह्मा का नहीं सदगत नहीं है क्या? सत्य माने सच्ची, और गति माने गति, दुर्गति नहीं, गति। सच्ची गति जो है वो पुरुषार्थ करने वाले को जिंदा रहते रहते मिल जाए तो सच्ची गति है, या शरीर छोड़ने के बाद गति मिले वो सच्ची गति है। जिन्दा। जिन्दा। तो आ गया समझ में, ब्रह्मा को मिली या नहीं मिली? ब्रह्मा को भी नहीं मिली, और ब्रह्मा के फॉलोअर्स ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी सच्ची गति नहीं मिली, सदगति। सदगति कहते ही है शरीर के साथ, शरीर रहते रहते गतिमान बुद्धि बन जाए, बुद्धि गतिशील हो जाए। ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गए जिस दिन, उनसे ज्यादा तो बुद्धि मम्मा की चलती थी, मम्मा की बुद्धि जो है फिर भी गतिशील थी, ब्रह्मा बाबा की बुद्धि तो बिल्कुल बच्चा बुद्धि। तो सदगति हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। सदगति हो जाती तो वो भगवान से प्राप्ति करते या देवता से प्राप्ति करते? सत्यों की बादशाही किससे मिलती? भगवान से मिलती। मिली? ब्रह्मा। भगवान से नहीं मिली, शरीर ही छोड़ दिया बीच में। और बाबा एक वार्तालाप में कहा है, सहनशीलता का पाठ किसने बजाया है? ब्रह्मा बाबा ने। फिर एक मुरली में कहा है, सहन शक्ति का पाठ सुप्रीम सोल ने बजाया है। दो कैसे बातें हैं कि
प्राप्ति देहधारी को होता है, होती है पार्ट बजाने की। कोई भी पार्ट बजाया जाता है तो पार्ट जो पार्ट बजाया जाता है उस पार्ट की प्राप्ति देहधारी को होती है, आत्मा को होती है या भगवान बाप को होती है? तो भगवान बाप देहधारी तो नहीं, भले ब्रह्मा के तन में, दादा लेखराज के तन में सहनशीलता का पार्ट भगवान शिव ने ही बजाया, परंतु जिसके तन के द्वारा बजाया वो तनधारी उस सहनशीलता की प्राप्ति का अधिकारी हुआ या निराकार हुआ? तन के द्वारा सहनशीलता धारण की ना, सुख दुख तन के द्वारा भोगा जाता है या बिना तन के भोगा जाता है? तन के द्वारा भोगा जाता है। तो तन किसका था? ब्रह्मा। इसलिए बल ब्रह्मा के द्वारा सहनशीलता का पार्ट सुप्रीम सोल शिव ने बजाया, परंतु तन ब्रह्मा का था, इसलिए उसकी उपलब्धि भी ब्रह्मा के लिए जाएगी। शिव उसकी उपलब्धि प्राप्त नहीं करता। ऐसे नहीं कि शिव ने सहन किया तो शिव की आत्मा अगले जन्म में सहन कराने के निमित्त बनेगी, नहीं। जिस तन के द्वारा सहन किया वो तनधारी आत्मा ही सहन कराने के निमित्त बनेगी। और तो ब्रह्मा के पास आने वाला पेजावर वाले आते हैं ब्रह्मा के पास। हाँ, दादा लेकर आ चुका। वो पेजावर का सत्युग का या द्वापर युग का? ब्रह्मा के पास जो बेसिक नॉलेज में प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पढ़ने आए, वो पढ़ाई पढ़ने वाले उच्च पद पाने वाले हैं, प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पढ़ने वाले ऊंचे अधिकारी बनते हैं या ऊंची स्टेज की पढ़ाई पढ़ने वाले ऊंचे अधिकारी बनते हैं? जो ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई पढ़ते हैं, वो ऊंचे अधिकारी बनते हैं। और जो छोटी मोटी पढ़ाई के अधिकारी बनते हैं, पढ़ते हैं, चपरासी अपरासी बन जाते क्या? तो द्वापर का प्रजावर वाले हैं? शिव बाबा से जो भी पढ़ाई हो, चाहे बेसिक हो और चाहे एडवांस की पढ़ाई हो, द्वापर में उसकी प्राप्ति नहीं होती है। उसकी प्राप्ति कहाँ होती है? 21 जन्मों में होती है। या तो यही इसी जन्म में होगी, या तो सतयुग में होगी, या तो त्रेता में होगी। शिव बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई की प्रारब्ध कहाँ मिलेगी? संगम युग में ही पहले तो मिलेगी। अगर संगम में नहीं मिली तो सतयुग में मिलेगी, सतयुग में भी नहीं मिली तो त्रेता में मिलेगी, मिलेगी जरूर। नई दुनिया का फाउंडेशन कितने आत्माओं के द्वारा डाला जाता है और कब तक? जो फाउंडेशन डालने वाले होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। कोई मकान बनता है तो मकान का फाउंडेशन डालने वाले पहले तो होता है मकान मालिक। क्या मकान मालिक होता है ना, कारीगरों को बुलाता है, इंजीनियर को बुलाता है, कहते तुम ये नक्शा बनाओ है, तुम ये काम करो, और मजदूरों को भी बुलाता है। तो वो धन के लोभ में सबको इंस्पिरेट करता है, वो उत्साह बढ़ाता है। इंजीनियर सोचता है अरे हमको इतना पैसा मिलेगा, बढ़िया बढ़िया नक्शा बनाओ। कारीगर भी कहता है अरे इतना पैसा मिलने वाला है, तो फिर वो कारीगर बढ़िया बिल्डिंग बनाता है। और जो मजदूर होते हैं वो भी सोचते हैं अरे इतनी मजदूरी जितनी
यहाँ से मिल रही है इतनी मजदूरी तो कभी मिलने वाली नहीं है, तो बड़े फोर्स से काम करता है। तो उमंग उत्साह देने वाला मालिक अलग, क्या दूसरा है बड़े बड़े इंजीनियर और बड़े बड़े कारीगर, वो प्लानिंग करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए। और तीसरे होते हैं वजन ढोने वाले, ईंट ढोते हैं, सामान ढोते हैं, नीचे ले जाते हैं, ऊपर लेके आते हैं, मेहनत बहुत करते हैं। तो यहाँ भी तीन प्रकार की पार्टी है नई दुनिया बनाने वाले, कौन से? एक तो जो सतगुरु की नई दुनिया आवेगी, स्वर्ग बनेगा, उस दुनिया को बनाने के लिए इंस्पिरेट करने वाली आत्मा है, क्या उमंग उत्साह बढ़ाने वाली आत्मा, जो शरीर छोड़ती जा रही है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी जो शरीर छोड़ने वाले हैं, वो सतगुरु की जो मकान बनेगा उसके पहले पहले मालिक होंगे या नहीं होंगे? मालिक होंगे। बच्चा बाप का बच्चा होता है तो मालिक होता है ना, तो वो आत्मा अभी मालिक बन करके प्रवेश करके उमंग उत्साह बढ़ा रही है। और जिनमें प्रवेश किया जा रहा है वो प्लानिंग कर रही है, बुद्धि की तीखी है, मनन चिंतन मंथन करके बढ़िया प्लानिंग करके तैयार करके देती है, अच्छे अच्छे कारीगर है उसमें। वो कौन सी आत्मा है जिनमें प्रवेश हो रहा है? एडवांस पार्टी की आत्मा है। और तीसरी वो है जो उमंग उत्साह बढ़ाने वाली नहीं है, नक्शा बनाने वाली भी नहीं है, प्लानिंग करने वाली भी नहीं है, लेकिन उनके बगैर मकान नहीं बन सकता, क्या है? वो आत्माएं हैं जिनमें प्योरिटी की पावर बहुत है। दुनिया के सारे काम कौन सी ताकत से होते हैं? प्योरिटी की पावर से होते हैं। प्योरिटी की पावर नहीं है तो कोई काम नहीं, कितना भी सोचते रहो, दिमाग चलाते रहो, नक्शे बनाते रहो, कुछ होने वाला नहीं। गांधी जी और उनके फॉलोअर राम राज्य चाहते थे, लेकिन प्योरिटी की पावर तो थी नहीं, तो राम राज्य की जगह और क्या बन गया? और रावण राज्य बन गया। पहले पहले प्योरिटी की पावर चाहिए। तो ब्राह्मणों की दुनिया में एक ग्रुप ऐसा भी है जिसमें प्योरिटी की पावर है, क्या? दिमाग इतना ज्यादा नहीं है कि नई दुनिया का नक्शा बना सके और दूसरों को बता सके, लेकिन मकान बनाने वाले कारीगर बहुत तीखे, तो वो है विजयमाला। समझ में आ गया क्या प्रश्न था? प्रश्न एक बार फिर रिपीट करो तो समझ में आया सबको। तो समझ में आ गया क्या? उसमें बेसिक पार्टी के शरीर छोड़ने वाली भी आत्माएं हैं, नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वालों में, और एडवांस पार्टी की प्लानिंग पार्टी वाले भी हैं। अभी दो इकट्ठे हुए हैं, क्या अभी तीसरा ग्रुप नहीं आया है? और तीसरा ग्रुप आवेगा और फाउंडेशन पक्का पड़ जाएगा। और बाबा दादी दीदी दादी है ना,
शिव बाबा आने आने के समय ब्रह्मा बात नहीं करो, एक आदमी पूछता है तो ब्रह्मा बाबा का तन में शिव बाबा आने आने के समय में दादी दीदी पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना शिव बाबा के पास, उनका सत्युग में आता है ना। अरे जब ब्रह्मा बाबा सत्युग में जाएंगे तो नहीं तो उनको फॉलो करने वाली दीदी दादी सत्युग में नहीं जाएंगी? जरूर जरूर। ये कैसे? जब ब्रह्मा बाबा सत्युग में जाएंगे गुरु जी जाएंगे तो गुरु जी के चेले नहीं जाएंगे? चेले भी जाएंगे। अरे जहां तक गुरु की पहुंच होगी वहां तक चेले भी तो पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं? पहुंचे, उससे ऊपर की सीढ़ी नहीं पहुंचेंगे। महादेव ने रावण की शक्ति पर प्रसन्न होकर आत्मलिंग आत्मलिंग ज्योति देते हैं और आत्मलिंग धरती से स्पर्श नहीं होना ऐसे कहते हैं। हाँ जी, इसका बेहद में मतलब क्या? इसका बेहद में मतलब ये है कि राम ही रावण बनता है, बोला है, है? माने राम वाली आत्मा हो गई रावण, है? और भगवान हो गया शिव। दोनों आत्माएं अलग अलग है कि एक ही है? भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिला के एक कर दिया, लेकिन भगवान शंकर नहीं है। भगवान कौन है? शिव है भगवान, और उन्होंने दे दिया उनको ज्योतिर्लिंग। क्या ले आओ, इसको संभाल के रखो, भले इससे सारा काम लो, ये लिंग जो काम करता है सो करो, लेकिन क्या नहीं करना, ये जमीन में स्पर्श न करने पाए। जमीन माना मिट्टी, ये देह अभिमानी की मिट्टी में अगर स्पर्श कर गया, क्या देह अभिमानी की मिट्टी में अगर स्पर्श कर गया तो खेल खलास। आया समझ आ गया? बाबा वार्तालाप में कहा है स्त्री चोला होते हुए भी अंत में पुरुष बन जाएगी, फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि श्री नारायण नहीं बन सकती है? नारायण बन नहीं बन सकती कहते हैं, जो ऐसा शब्द उठेगा कैसे बनेंगे? वैसा बनेंगे वो पढ़ाई पढ़ने से पहले उनसे पढ़ाई पढ़ लिया करो अच्छी तरह से, जो लिख करके देते हैं ना उनसे अच्छी तरह समझ लिया करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। अब कोई भी हो, श्री चोला होते हुए भी अंत में पुरुष बन जाएंगे, फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि स्त्री नारायण नहीं बन सकती? कहते हैं जो जैसा जो नारायण बनेगा वो नारायण नई दुनिया में बनेगा, नई दुनिया में राज्य करेगा या पुरानी दुनिया में राज्य करेगा? नई दुनिया में राज्य करेगा। और जो जगदम्बा का पार्ट होगा वो 500 करोड़ की दुनिया के बीच में होगा, सारे जगत के बीच में होगा या नई दुनिया की थोड़ी आत्माओं के बीच में होगा? सारे जगत के बीच में होगा। तो वो संगम युग का पार्ट हो गया, पुरानी दुनिया के बीच में असुरों को मारने का पार्ट, चाहे वो एक जगदम्बा हो जो महाकाली बनती है और चाहे वो जगदम्बा की भुजाएं हो, ढेर भुजाएं होती है ना, तो वो भुजाएं भी वही पार्ट बजाती है। कौन सा पार्ट है? जो महाकाली पार्ट बजाती है असुर संघारिणी का, वो महाकाली की भुजाएं भी वही पार्ट बजाती है, लेकिन चोला कौन सा होता है? स्त्री चोला होता है। वो स्त्री चोले से सारे विश्व की सब असुरों के ऊपर कंट्रोल करती है,
पुरानी दुनिया में, असुरों की दुनिया में, पतितों की दुनिया में सब पतित होते हैं, कोई पावन भी होता है। पतित दुनिया में सब पतित होंगे, असुर होंगे या देवता होंगे, सब असुर होते हैं। और पावन दुनिया में सब पावन होंगे। तो जगदम्बा का पार्ट कहाँ होगा और नारी से लक्ष्मी बनने वाले का पार्ट कहाँ होगा? वो तो नई दुनिया की बात होगी और जगदम्बा का पार्ट पुरानी दुनिया की बात। पुरानी दुनिया के अंदर जब तक नारी चोला है और नारी चोला से ऐसा पार्ट बजाया है अड़बंगा, जैसे शंकर के लिए कहते हैं ना अड़बंगे, महाकाल अड़बंगा है तो महाकाली भी अड़बंगी। सबकी समझ में आने वाला पार्ट नहीं है। तो स्त्री चोला जब तक है तब तक उसका गायन है संगम युग का, और फिर जब दुनिया का विनाश हो जाएगा, विनाश होने के टाइम पर वो स्त्री चोला बदल करके क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। कहते हैं जो जैसा संकल्प करेगा वैसा बनेंगे, ठीक है। ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रचे, ठीक है। तो हाँ, अब प्रश्न क्या है? जैसा संकल्प करेंगे वैसे बनेंगे, पक्की बात। ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई, ये भी पक्की बात। फिर पढ़ दे रहा है। अरे ये बात पूरी हो गई उसमें है बाबा। क्या वो प्रश्न में क्या है? नीचे त्री चोला होते हुए भी अंत में पुरुष बन जाएगी, फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि श्री नारायण नहीं बन सकती? कहते हैं जो जैसा संकल्प करेगा वैसा बनेंगे। ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रचे, ठीक है। ब्रह्मा ने जो संकल्प रचा उस संकल्प को उन्होंने श्रीमत के अनुसार रचा या मनमत और मनुष्य मत के आधार पर रचा? श्रीमत के अनुसार संकल्प चलाए तो नई दुनिया बन गई। बाबा एक मुरली में बोला है सूर्यवंशियों में काम के लिए अग्नि जास्ती होती है। हाँ लेकिन सूर्य है ना, कितनी भी काम की अग्नि हो सूर्य से ज्यादा अग्नि होती है क्या? अग्नि देवता ज्यादा तीखा है या सूर्य ज्यादा तीखा है? सूर्य ज्यादा तीखा है तो सब भस्म कर देगा। और क्रोध की भी जास्ती होती है। वो तो है, काम तो मुखिया है, जब मुखिया ही इतना पावरफुल है तो उसके साथ साथ जो साथी होंगे वो भी पावरफुल ही होंगे। तो ये बात सूर्यवंशियों के लिए जैसे लागू होगी, क्योंकि उसमें तो अष्टदेव पक्के सूर्यवंशी है, तो ये बात सूर्यवंशियों के लिए कैसे लागू होती है? क्या बात? आप समझ गए इनकी बात? समझ गए हो तो बताओ, तुम बताओ। सूर्यवंशियों में तो काम क्रोध और ज्यादा होते हैं ना, तो अष्टदेव भी सूर्यवंश में आएगी ना? आएंगे। तो ऐसा कर दिया, माना अष्टदेव के कनेक्शन रख दिया, अष्टदेव से वो कंपेयर कर रहे हैं माता जी। किसको? सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशी है अष्टदेव, तो उसमें भी होगा ना, होगी ना, तो उस समय कैसे? नई बात क्या है? जो सबसे जास्ती विकारी बनते हैं वही सबसे जास्ती देवता निर्विकारी बनते हैं, जो सबसे जास्ती पतित बनते हैं वही सबसे जास्ती पावनी बनते हैं। नई बात क्या है? जो क्रिश्चियंस हैं वो बाद में आने वाला धर्म है, न ज्यादा विकारी बनते हैं न ज्यादा निर्विकारी बनते हैं। कृष्ण है, कृष्ण के फॉलोअर हैं, वो ना ज्यादा पावन बनते हैं ना ज्यादा पतित बनते हैं। सीढ़ी के चित्र में देखो नीचे, ब्रह्मा फिर भी खड़ा हुआ है और रामवाली आत्मा खड़ा हुआ है, वो तो एकदम पड़ी हुई।
तो ज्यादा पतित कौन बना? राम वाली आत्मा पतित ज्यादा बनती है और फिर इतनी पावन बनती है कि कृष्ण जैसी आत्माओं को भी जन्म देने के निमित्त बनती है। तो जन्म देने वाला रचयिता ज्यादा पवित्र है, ज्यादा पावरफुल है, या रचना ज्यादा पावरफुल? रचयिता ज्यादा पावरफुल। लेकिन कहना क्या चाहते हैं? सूर्य में काम क्रोध ज्यादा है ना, तो बाकी अष्टदेव जो है श्रेष्ठ आत्मा है, उसमें भी काम क्रोध ज्यादा होना चाहिए? वही पूछ रहे हैं। क्यों नहीं होना चाहिए? अरे जो जितना नीचे उतरता है उतना ही ऊंचे चढ़ता है, उसमें नीचे उतरने की भी ताकत ज्यादा है, तो ऊपर चढ़ने की भी ताकत ज्यादा है। संग के रंग की बात है, 83 जन्म रहता है श्रेष्ठ सूर्य का संग, इसलिए नीचे नहीं गिरता। और 84वें जन्म में लास्ट जन्म में नीचों का संग हो जाता है। कोई राजा का बच्चा हो और कोई गरीब का बच्चा हो, दोनों ही कुसंग में चले जाएं तो ज्यादा कौन बिगड़ेगा? राजा का बच्चा ज्यादा नीचे चला जाएगा, ज्यादा बिगड़ जाएगा। तो ऐसे ही ये सूर्य के बच्चे हैं, राजा है, हाँ? राजा की नहीं, राजाओं का भी राजा उसके बच्चे हैं। तो जब नीचे गिरते हैं तो जो नीचते नीचे हैं उनको भी क्रॉस कर जाते हैं। महाभारत में पांडव द्रौपदी को साथ में लाते हैं, महाभारत में पांडव द्रौपदी को साथ में लाते हैं। पांडव कहते हैं वस्तु लाई है, पांडव कहते हैं वस्तु लाई है कुंती से, दान लाया है। तब कुंती कहती है आपस में बांट कर खाओ, ऐसे कहती है तो इसका बेहद में क्या अर्थ है? जिसको जिसको वो दान में लाए हैं, इसके लिए बताया कि हम दान में लाए हैं, तो वो दान में लाई हुई जो द्रौपदी है वो वास्तव में ब्राह्मणी है या कोई चीज है? ब्राह्मणी है। जो ब्राह्मणी है उस ब्राह्मणी से जो सेवा लेनी है वो पांच पांडव मिलकर के ले नहीं सकते हैं? सेवा ले सकते हैं और उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते? सुरक्षा कर सकते हैं। जो सुरक्षा करने वाले होते हैं उनको पति कहा जाता है। वो तो मुरली में भी बता दिया है, नॉनसेंस बातें लिख दी हैं शास्त्रों में। अरे भारत की नारी को कहीं पांच पति होते हैं क्या? इतने यहां संगम युग की बात है। तो अग्नि से पैदा होने वाली है क्या? अग्नि अपवित्र होती है क्या? अग्नि अपवित्र होती ही नहीं, तो उससे पैदा होने वाली चीज अपवित्र कैसे हो जाएगी? है ध्रुवपदी, जिसका पद ध्रुव है उसके पद को कोई नीचे नहीं उतार सकता है। बाबा पूना के वार्तालाप में बाबा ने कहा है स्त्री नारायण नहीं बनती, स्त्री नारायणी नारायण नहीं बनती, तो स्त्री जगदम्बा की भुजा बन सकती है, ऐसे बोला है। लेकिन स्त्री चोला जो है वो नारायण नहीं बनेगा क्या? स्त्री चोला ये चाहे कि हम नारायण बन जाए तो नारायण नहीं बनेगा, क्या बनेगा फिर? स्त्री चोला श्रीमत के अनुकूल अगर चल करके पुरुषार्थ करे तो नारायण ही बन सकता है, माना नारी से नारायण ही बन सकती है, नारी से लक्ष्मी बन सकती है। लेकिन स्त्री चोला ये अहंकार करे कि
क्योंकि स्त्री चोला जो मिला है संगम युग में वो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर मिला है संगम में, जब भगवान आते हैं या अनायासी मिल गया पूर्व जन्म में कोई ऐसे कर्म किए हैं जिसके आधार पर स्त्री चोला मिला है। स्त्री चोला के पुरुषार्थ में और पुरुष चोला के पुरुषार्थ में कोई विशेष अंतर बताया है? है बताया है कि नहीं बताया? बताया। क्या बताया? जल्दी छूट जाएगी। नहीं, पुरुष चोले में दो प्रकार के चोले होते हैं। एक होते हैं कुमार और एक होते हैं अधर कुमार। कुछ अंतर बताया है? क्या बताया? जो चाहे कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं, इतनी ताकत है कुमारों में। कुमारियों के लिए नहीं बोला क्या कि जो चाहे सो कर सकते हैं, चौराहे पर बैठ करके पुरुषार्थ कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं तो कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर भी उनको आधीन रहना पड़ेगा, क्या कोई ना कोई पुरुष की सुरक्षा में रहना पड़े। वो पूर्व जन्म का कोई ना कोई कर्म ऐसा आ गया है जो स्त्री चोला मिल गया। और कुमारों को, कुमारों को वो चोला मिल गया है जिसके आधार पर उनको ये वरदान मिल गया। कुमार अगर अच्छी चाल चले तो विश्व के मालिक बन सकते। इससे बड़ी चीज तो कोई उपलब्धि होती नहीं। तो नारी और नर ये अंतर पड़ जाता है कि नर्तन में भगवान आता है और नारी में भगवान नहीं आता है। अब ब्रह्मा कुमारियां कितना भी जोर लगाती रहे कि गुलजार दादी में भगवान आता है, लेकिन ये बात साबित नहीं हो सकती। क्योंकि अगर ये साबित हो जाए तो भगवान तो सबका है या सिर्फ नारियों का ही है? सबका है। नारी चोले का भी भगवान है और पुरुष चोलों का भी भगवान है। सबके संग के रंग में आने वाला है, सबके साथ संबंध जोड़ने वाला है और सब प्रकार के संबंध जोड़ने वाला है। अगर नारी चोला सर्व संबंध जोड़ेगा भगवान बनकर के तो व्यभिचार फैलेगा, वैश्या बनेगा या शिवालय बनेगा? वैश्यालय बन जाएगा। फिर भगवती नाम क्यों है? भगवान भगवती भी क्यों? भगवती किसके अधीन होती है? जय सिया राम। भगवान 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 जगदम्बा की पूजा बन सकती है ऐसे बोला है, लेकिन स्त्री का रिज्यूमिनेट होगा तो? अरे रिज्यूमिनेट यहाँ संगम युग जब तक रहेगा तब तक शरीर रिज्यूमिनेट होगा, या संगम युग पूरा हो जाएगा 100 साल का उसके बाद रिज्यूमिनेट होगा? पांच तत्व ये रिज्यूमिनेट हो जाएंगे। पांच तत्व जो जड़ तत्व हैं, ये जड़ तत्व ज्ञान से सुधर जाएंगे। ये दुनिया में जो पांच तत्व फैले हुए हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश और उनसे बने हुए ये शरीर, ये पांच तत्व जो जड़ तत्व हैं, वो पहले सुधरेंगे या चैतन्य आत्मा पहले सुधरेंगे? चैतन्य आत्मा पहले सुधरे। एक तरफ मुरली में कहा है आत्मा पावरफुल बनती जाएगी और शरीर पांच तत्वों से बने हुए शरीर सड़ते जावेंगे। क्यों सड़ते जावेंगे? इसलिए सड़ते जावेंगे कि दुनिया में जो पांच तत्व चारों चोर दुनिया में फैले हुए हैं ढेर के ढेर, वो तमो प्रधान बनते जा रहे हैं, सतो प्रधान बन रहे हैं। क्यों तमो प्रधान वो पहले बन रहे हैं? क्योंकि चैतन्य आत्माएं ज्ञान से सुधर सकती है। क्या
वो पहले सुधर सकती हैं और जड़ तत्व नहीं सुधर सकते। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये जो प्रकृति के पांच तत्व हैं, ये जो जड़ प्रकृति है वो पहले नहीं सुधरेगी। पहले कौन सुधरेगा? प्रकृति का सुधार पहले नहीं हो सकता। प्रकृति पति का सुधार पहले होता है। प्रकृति पति है चैतन्य और प्रकृति है जड़। तो दुनिया के पांच तत्व जड़त्व में ही है। वो तब सुधरेंगे जब सारी दुनिया के पांच तत्वों से बने हुए जो शरीर हैं सब खलास हो जाए। प्रकृति पति स्टेज वालों को छोड़ करके, नहीं समझ में आया, जिन्होंने प्रकृति पति की स्टेज धारण कर ली है वो ही बचेंगे। और बाकी दुनिया में जो और धर्म की आत्माएं हैं, चाहे वो बीज रूप आत्माएं ही क्यों न हो, सब खलास हो जाने वाले। और अरे वो ही तो बताया, जो प्रकृति का पार्ट है वो सूर्यवंशी पार्ट है या चंद्रवंशी पार्ट है, जड़त्वमय बुद्धि का पार्ट है या चैतन्यमय बुद्धि है, जड़त्वमय बुद्धि है। जो उसमें प्रवेश करने वाला चंद्रमा है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, उसकी बुद्धि इतनी चलती है, वो बुद्धि चैतन्य बुद्धि है, ब्रह्मा ही चैतन्य बुद्धि नहीं है। चित्त शक्ति तीखी नहीं है। तो ब्रह्मा जिसमें प्रवेश करता है वो डब्बा कैसे पहले सुधर जाएगा? है पहले आत्मा सुधरे। इसलिए बोला कि प्रकृति है रचना, प्रामाना प्रकष्ठ, कृति माना रचना। प्रकृति है रचना और प्रकृति पति है रचयिता। ज्यादा शक्ति किसमें होती है? प्रकृति पति में ज्यादा शक्ति होती है, रचना में बाद की शक्ति होती है। तो जब दुनिया का विनाश होगा तो प्रकृति इतना विकराल रूप धारण करेगी कि जितने भी और धर्मों के बीज हैं, जितने भी और धर्म के आधारभूत जड़े हैं, अथवा जितने भी 500 करोड़ मनुष्य हैं, वो सब खलास हो जाते हैं। भले वो खुद भी समाप्त हो जाते हैं। उसको जो चलाने वाला, प्रकृति को चलाने वाला जो चंद्रमा माने ब्रह्मा, वो ही पहले खलास हो गया। पुरुषार्थ करते करते खलास हो गया या उपलब्धि करके गया? पुरुषार्थ करते करते ही खलास हो गया। तो वो जिसको संभालेगा वो कैसे आगे, वो आगे बढ़ जाएगा? जो पति होता है वो ऊंच कुल से होता है और पत्नी उसके मुकाबले थोड़े नीचे कुल से होती है। तो पति तो है सूर्य और पत्नी है पृथ्वी, नीची स्टेज वाली है, इसलिए वो कम ताकतवर है और वो जास्ती ताकतवर है। और पांच विकार को भूत कहते हैं और सूक्ष्म शरीर को भी भूत भूत कहते हैं ना? है? पांच विकार को भूत कहते हैं। भूत हाँ। और सूक्ष्म शरीर को भी भूत कहते, भूत कहते हैं। हाँ। फिर इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर ये है कि जो पांच विकार वाली आत्माएं होती हैं, जिनमें जो आत्माएं अपने को आत्मिक स्थिति में नहीं स्थिर कर पाती है, पांच भूत रह जाते हैं। क्या? मैं आत्माओं को पढ़ाता हूं।
मैंने 500 करोड़ों को पढ़ाता हूँ, या जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाली आत्माएं हैं ओरिजिनल, उनको पढ़ाता हूँ, आत्माओं को पढ़ाता हूँ। तो ज्यादा जन्म लेने वाले कौन से होंगे? आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले ही तो ज्यादा जन्म लेने वाले हुए, उन आत्माओं को मैं पढ़ाता हूँ जो 84 जन्म लेते ही नहीं और यहाँ शरीर छोड़ देते हैं। पूरे 84 जन्म नहीं लेते, कुछ ना कुछ वर्ष कम हो जाते हैं 84 जन्मों में, जैसे ब्रह्मा कम जन्म हुए, कम टाइम कम हो गया ना। तो ऐसी आत्माएं जो है वो चंद्रवंशी बनेंगी, या तो इस्लाम वंशी बनेंगी, या तो क्रिश्चियन वंशी बनेंगी, या तो दूसरे धर्म में होंगी। क्या नई दुनिया का फाउंडेशन लगाने वाले पक्के सूर्यवंशी नहीं होंगे? बात समझ में आई? क्या समाधान हो गया? क्या एक बार फिर से पढ़ दीजिए। भूत जो है उनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पंचभूतों को त्याग नहीं पाते। पंचभूत अलग हो जाए और आत्मा अलग हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ कर ही नहीं पाते। इतनी आत्मिक स्थिति धारण करे कि शरीर अलग दिखाई पड़े पांच तत्वों का, और आत्मा अलग देखे कि ये पांच तत्वों का चोला पड़ा हुआ। इसलिए वो अपने को पंच तत्वों से अलग नहीं कर पाते। वो आत्माएं द्वापर युग में जब आत करके कन्वर्ट होती हैं, तो इतने कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी बन जाती हैं कि खूब पाप करती हैं। उनको पाप कर्मों से रोकने के लिए उनको फिर सूक्ष्म चोला मिलता है, सूक्ष्म शरीर मिलता है, वास्तव में वो ही भूत है। क्या वो चैतन्य भूत है? और ये पांच तत्व तो जिनका चोला बनता है ये जड़ भूत है, ये अंतर है। हैं तो दोनों भूत, क्या अंतर है? वो चैतन्य भूत है, वो भूत चैतन्य प्रवेश कर जाते हैं, और ये जड़ भूत किसी में प्रवेश नहीं कर सकते। चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है या जड़ में ज्यादा ताकत होती है? चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है। चलो हो गया टाइम।